अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, बाकी लोगों के आने से पहले पहले हम कल की जो क्विक रिवीजन है वो कर लेते हैं, ठीक है? पहली बात तो कल हमने पढ़ी थी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो सेक्शन 4 का था, कि टैक्स कैसे निकालते हैं, और उस फॉर्मूले में कुछ चीजें आती थी जैसे टैक्स होता क्या है, टैक्स ईयर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टाइप्स तो आप लोगों को कल पता चल रही थी, हमने देखा था टैक्स ईयर्स की टाइप्स क्या है, तीन टाइप्स थी टैक्स ईयर्स की, और टैक्स ईयर्स के चेंजेस कैसे करने थे, और उसके बाद हमने पर्सन देखे थे कि पर्सन कौन कौन सा होता है। पर्सन की भी हमने देखी थी कि चार मेजर टाइप्स हैं, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और फेडरल गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है? और फिर हमने उस पर देखा था कि इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे तो मैंने आपसे स्टडी प्लान डिस्कस करना है, स्टडी प्लान मैंने आप सबको ईमेल तो कर दिया हुआ है, लेकिन स्टडी प्लान हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे अभी, हम सैटरडे को मोस्ट प्रॉब्ली स्टडी प्लान और आप लोगों ने कैसे लेक्चर्स लेके चलना है डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं वो अभी अनडिसाइडेड है कि उन्होंने इस क्लास से पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है? तो एक मरतबा मेरी क्लास सेटल डाउन हो जाए, हम बेसिक्स कवर कर लें, तो उसके बाद से हम स्टडी प्लान भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अगर आप खुद से देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मैंने स्टडी प्लान भेज दिए हैं, ईमेल कर दिए हैं, आप लोग खुद से भी उसको ब्राउज थ्रू कर सकते हैं, अगर कोई चीज पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन हम किस चीजें कैसे कैसे कवर करेंगे, करंट क्लास के साथ कैसे कैचअप करेंगे, वो हम सैटरडे को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? आज हमने पढ़ना है रेजिडेंशियल स्टेटस। इसको पहले हम जूम कर लेते हैं ताकि सब लोगों को नजर आना शुरू हो जाए। अब जो रेजिडेंशियल स्टेटस है इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लिखा हुआ है रेजिडेंट टैक्सपेयर के नाम से। टैक्सपेयर तो हमने कल देख लिया था कि टैक्सपेयर वो बंदा होता है जिसने टैक्स खुद देना है या टैक्सपेयर का रिप्रेजेंटेटिव या किसी का कलेक्ट करना है या पे करना है, ठीक है जी? तो रेजिडेंट टैक्सपेयर का मतलब है जो बंदा रेजिडेंट पर्सन है, और सेक्शन 81 बताता है ऑर्डिनेंस का कि रेजिडेंट पर्सन कौन होता है। तो रेजिडेंट पर्सन वो होता है जो पाकिस्तान में रेजिडेंट हो फॉर अ टैक्स ईयर, इफ उसने क्या किया हो, या तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट कंपनी हो, रेजिडेंट एओपी हो, या फिर फेडरल गवर्नमेंट हो। तो फेडरल गवर्नमेंट तो है ही पाकिस्तान की, तो ये तो रेजिडेंट होगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो हर वक्त गवर्नमेंट ही चला रही होती है ना। तो ये सारी बातें तो हमें पता चल गई कि अगर कोई, कल हमने पढ़ा था पर्सन कौन होता है और आज हम पढ़े हैं कि रेजिडेंट पर्सन कौन होता है। तो पर्सन के साथ अगर रेजिडेंट लगाएं तो पर्सन की टाइप्स के साथ भी आपने रेजिडेंट का वर्ड लगा दिया, ये सारी पर्सन की टाइप्स थी, ठीक है? और वो कहता है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन सा है। नॉन रेजिडेंट पर्सन वो है इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन, ठीक है? तो ये बड़ी ऑब्वियस किस्म की डेफिनेशन हो गई कि नॉन रेजिडेंट पर्सन, सॉरी,
non-resident person बोल बंदा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज highlighting का tool जो है कहीं से ढूंढ के इस्तेमाल करना शुरू करूँ, ताकि अगर मैं चीजें underline नहीं भी करती तो आपको पता चल जाए कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो most probably यहाँ पर ऐसा tool नहीं है, वो tool आज मैं आप लोगों की क्लास के बाद ढूंढूंगी। चलें जी, तो आज हमने पर्सन में फर्दर से देखना है कि पर्सन के अलावा पर्सन की सब टाइप बना लेते हैं। कल हमने पर्सन की वो टाइप पढ़ी थी जो चार तरह के इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और गवर्नमेंट जो पर्सन होते हैं, और फिर पर्सन के अंदर ही हम स्टेटस देख रहे हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का, के जो चार टाइप्स हमने कल पढ़ी थी, जो चार टाइप पर्सन होती हैं वो या तो रेजिडेंट होंगी या वो नॉन रेजिडेंट होंगी। और अब उसने मोटा मोटा बताया कि रेजिडेंट वो है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी या फेडरल गवर्नमेंट हो, और नॉन रेजिडेंट वो है जो रेजिडेंट ना हो। अब हम देखते हैं कि हर टाइप में ये कैसे पता चलेगा कि कौन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, कौन रेजिडेंट एओपी है, कौन रेजिडेंट कंपनी है। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल सेक्शन 82 बताता है, एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल इफ प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो वो इकट्ठे एक पीरियड के लिए, या वो एक टैक्स ईयर के अंदर अंदर काफी सारे पीरियड्स के लिए, अगर उन सब पीरियड्स को इकट्ठा किया जाए तो 183 डेज के लिए या उनसे ज्यादा के लिए उस टैक्स ईयर में पाकिस्तान में रहा था। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 183 डेज हो अगर इंडिविजुअल के, या तो वो इकट्ठे 183 डेज के लिए रहा हो, या फिर वो टुकड़ों टुकड़ों में भी अगर पाकिस्तान में रहा है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो उस टैक्स ईयर में टोटल 183 डेज के लिए वो पाकिस्तान में रहा हो। और अगर कोई बंदा इम्प्लॉई है या कोई और ऑफिशियल है फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, जो इस टैक्स ईयर में पाकिस्तान से बाहर था, अब्रॉड था, तो वो भी रेजिडेंट कंसिडर होगा। हालांकि वो पाकिस्तान में नहीं था, उस पे 183 डेज की कंडीशन नहीं लगती, वो क्योंकि गवर्नमेंट का बंदा था तो गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट ही होगी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हमेशा रेजिडेंट होंगे। रूल 14 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो रूल्स हैं, हमने डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स में अगर कोई चीज फर्दर एलैबोरेट हो तो वो रूल्स में होती है। तो इनकम टैक्स के रूल्स थे 2002 के, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपने ये जो 183 डेज हैं इनकी कॉम्प्यूटेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये, पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे। तो वो बेशक बंदा कुछ हिस्से के लिए पाकिस्तान में रहा था, उस दिन के कुछ हिस्से के लिए, बेशक वो पाकिस्तान में उस दिन आया था और वो पूरे दिन के लिए नहीं था पाकिस्तान में, वो ड्यूरिंग द डे पाकिस्तान आया, या वो ड्यूरिंग द डे पाकिस्तान से चला भी अगर गया तो वो उस दिन का हिस्सा भी पूरा दिन कंसिडर होगा। और फिर द फॉलोइंग डेज इन विच एन इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे। यानी कि ये जो अब हम दिन पढ़ने लगे हैं, इन दिनों में भी बेशक वो पूरे दिन के लिए या आधे दिन के लिए पाकिस्तान में था तो वो पूरा दिन कंसिडर होगा। अगर वो किसी पब्लिक हॉलिडे के दिन था, अगर उसने छुट्टी ली हुई थी, बेशक उस वो बीमार था, या अगर वो जो भी काम करने आया था पाकिस्तान वो नहीं हो सका क्योंकि स्ट्राइक थी, लॉकआउट था, या फिर डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज, यानी कि या तो उस दिन हड़ताल हो गई, या शहर बंद था किसी वजह से, या फिर जो चीज वो खरीदने आया था या बेचने आया था उसमें कोई डिले आ गया था, और हॉलिडे अगर वो छुट्टी मनाने आया था पाकिस्तान में बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान, यानी
ये इसलिए बताए गए हैं सारे दिन कि बेशक इन दिनों में वो जो भी काम करता था वो तो काम नहीं हो सका, क्योंकि या तो छुट्टी पब्लिक हॉलीडे गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी थी, या उसने खुद छुट्टी कर ली, वो बीमार था, या हड़ताल की वजह से वो अपना काम नहीं कर सका, या वो छुट्टियों पे आया हुआ था। तो बेशक वो अपना जो भी बिजनेस या जो भी इनकम उसको जहां से आती थी जो टैक्सेबल है, वो बेशक उन दिनों में वो नहीं कमा सका, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में था, बेशक पूरे दिन के लिए, आधे दिन के लिए, इस वजह से वो पूरा दिन कंसिडर होंगे। अ डे और पार्ट ऑफ अ डे वेर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान ओनली बिकॉज वो इन ट्रांजिट है बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान डज नॉट काउंट एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान। तो अगर वो दो मुल्कों के दरमियान सफर कर रहा था और वो पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए आया था कि उसने अपनी फ्लाइट चेंज करनी थी या अपना जहाज चेंज करना था, तो वो इन ट्रांजिट होता है कि आप दो मुल्कों, पाकिस्तान से बाहर दो मुल्कों में इन ट्रांजिट थे और आप पाकिस्तान में अपना कोई काम नहीं करने आए थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से आए थे क्योंकि जहाज डायरेक्ट वहां नहीं जाता, जहाज पहले पाकिस्तान लैंड करेगा और आप फ्लाइट चेंज करेंगे तो जहाज अगली जगह जाएगा, तो उस दिन को आप काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर वो किसी भी दिन, पूरे दिन के लिए या हिस्से के लिए पाकिस्तान में है, तो वो पूरा दिन काउंट होगा। और ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि इट इज नॉट एसेंशियल दैट द स्टे शुड बी एट द सेम प्लेस, एक जगह पे रहना जरूरी नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी कंटिन्यूअस, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो इकट्ठे 183 डेज के लिए पाकिस्तान में रहा हो। हो सकता है वो पहले 30 दिन के लिए आए, फिर 62 डेज के लिए आए, फिर 92 डेज के लिए आए। तो जब आप इन सबको मिलाएंगे और दिन गिनने कैसे हैं वो उसने हमें ऊपर बता दिया, तो बस 183 या उससे ज्यादा दिन होने चाहिए। लेकिन रेजिडेंट कंपनी सेक्शन 83 बताती है इसकी कॉम्प्यूटेशन की कंपनी रेजिडेंट है या नहीं डिफरेंट तरह से होती है। क्यों? क्योंकि इंसान तो पाकिस्तान में आ सकता है, पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, कंपनी तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का नाम है। कंपनी पाकिस्तान से अंदर, पाकिस्तान के बाहर तो नहीं जा सकती, कंपनी को तो लोग चलाते हैं। तो कंपनी रेजिडेंट कंपनी होगी फॉर अ टैक्स ईयर इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, यानी अगर तो वो पाकिस्तान के किसी कानून के मुताबिक बनी है या पाकिस्तान में बनी है तो वो रेजिडेंट है। एंड द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर, यानी के जो लोग इसको चलाते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं इसके, अगर वो किसी टैक्स ईयर में किसी भी वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान से सारे काम चला रहे थे तो फिर वो रेजिडेंट कंपनी है। और इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट, तो जहां पे और आती है वहां पे कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो वो पाकिस्तान में बनी थी या पाकिस्तान के किसी कानून के मुताबिक बनी थी, या फिर उसको जो लोग चला रहे थे वो कंप्लीटली सारे के सारे पाकिस्तान में बैठ के उसको चला रहे थे, बेशक कंपनी जहां भी थी वो सारे यहां से उसको चला रहे थे, या फिर अगर हुकूमत का कोई भी हुकूमत से रिलेटेड एम्प्लॉई है या हुकूमत खुद है। तो हमने क्योंकि कल पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट पर्सन होती है लेकिन प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट कंपनी होते हैं, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज इंडिविजुअल्स में आ गए। फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि वो रेजिडेंट है, और प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट का उसने आपको बताया कि वो कंपनी, अगर वो है तो वो रेजिडेंट कंपनी के मद में आएंगे। और फिर रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एओपी, ये सेक्शन 84 बताता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। तो कंपनी के लिए होली एट एनी टाइम इन द ईयर, ठीक है, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स आते जाते रहते हैं बिजनेस डिफरेंट कंपनीज में चलाने के लिए, तो कंपनी के लिए सारी की सारी मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान में बैठ के काम चला रही है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की कंपनी है। और एओपी केस में बेशक एक या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट, एओपी के तो डायरेक्टर्स नहीं होते, पार्टनर्स होते हैं यूजली, तो
तो वो सारे के सारे या उनमें से कुछ भी अगर पाकिस्तान में थे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर तो वो रेजिडेंट कंसिडर होगी. फिर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट फ्रॉम द अबव डिस्कशन is that residential and non-residential status of any person is to be determined in respect of each tax year which may vary from tax year to tax year. Yani koi bhi banda ek martaba agar resident ho gaya to wo hamesha ke liye resident nahi ho jata. Aapne har saal dobara dobara calculate karna hai ki kya is saal ye resident tha, kya is saal ye resident tha. For example, a person can be resident in tax year 2013 but may be a non-resident in tax year 2014. theek hai ji, ho sakta hai 2013 mein 183 days ya usse zyada ke liye pakistan ho aur agle saal ke liye na ho. to humne resident aur non-resident jo thi uski types kar di hai person ki. to aap ye dekh rahe ho ki ye interchangeable concepts hai. कि यहाँ पे उसने पर्सन की चार टाइप्स बताई थी, एओपी, इंडिविजुअल, कंपनी और फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे बताई थी. और यहाँ पे उन सारों के बारे में बता दिया कि उन सारों में आप रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैसे कंप्यूट करेंगे. अगर हम आगे चलें तो इसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी है आपकी बुक की. एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर. Mr. Raza is working as a director operations in the Ministry of Tourism. तो Ministry of Tourism है तो ये फेडरल गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री है. मिनिस्ट्री तो हुकूमत की होती है. 15 जुलाई को उसको पाकिस्तान एम्बेसी ने इटली में भेज दिया दो साल के लिए. यानी दो साल के लिए अब वो इटली में रहेगा. तो क्या ये रेजिडेंट पर्सन है या नहीं, जल्दी बताएं है या नहीं, और रीजन भी बताएं. आपने एक्सप्लेन करनी है रीजन. चले गुड हो गया, इसका मतलब आपको समझ लग गई है कि क्योंकि ये हकूमत का बंदा है तो ये जहां मर्जी भी हो ये रेजिडेंट है. दूसरी बात, एंडरसन एलएलसी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. बिल्कुल जी, यूके में. तो एंडरसन एलएलसी जो थी वो बनी तो बर्तानिया में थी. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी की पूरी जो है वो पाकिस्तान में है. लेकिन 1 November 2013, entire management and control was shifted to UK. ठीक है? तो क्या ये resident है tax year 2014 के लिए? Tax year 2014 का कौन सा period बनता है? कब से लेके कब तक का? जल्दी से बताएं, इसकी हमने कल बहुत practice की थी. सबसे पहले reference point के तौर पे मैं कौन सी date लिखूं? Tax year 2014 के लिए कौन सी date लिखूं? जल्दी बताएं. एजाज और सरफराज दोनों बताएं. अच्छा आपने, अच्छा अच्छा सरफराज आपने डेट तो ठीक बताई है लेकिन आप रेफरेंस पॉइंट के तौर पे हमेशा आसानी के लिए पहले एंडिंग डेट लिखा करें. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग डेट गैस करना थोड़ा मुश्किल होता है. हमें पता होता है जो भी इस साल लिखा होता है टैक्स ईयर के आगे वो नीचे लिख दें और उसके सामने बस 30 जून लिख दें. तो इजाज ये 30 जून 2014 तक का पीरियड है. कब से लेके 1 जुलाई 2013 से. ठीक है, तो इजाज इस बात को याद कर लें कि जब भी जो भी टैक्स ईयर के सामने लिखा हुआ है उसके सामने 30 जून की डेट डाल दें. ठीक है, तो टी इज फॉर 30. इसको याद रखने का आसान तरीका है कि आप याद कर लें जाज कि टी से 30 बनता है और ये जे की शेप तकरीबन वाई की शेप जे जैसी है. ठीक है, ये अगर मैं यूं बनाऊं और इसके ऊपर नुक्ता लगा लूं, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर डॉट बना लूं तो इससे याद कर लें 30 जून, टी फॉर 30, जे फॉर जून. और ये सीधा सीधा ऐसे ही नीचे लिख दिया करें. ठीक है, तो ये याद करने का आसान तरीका है कि टैक्स ईयर अगर उसने ये वाला बोला है तो फिर डेट कैसे निकालनी है. तो अब 1 नवंबर 2013 से सारी की सारी जो मैनेजमेंट है वो शिफ्ट हो गई यूके में. अब इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2013 से लेकर 30 जून
2014 तक के पीरियड में क्या किसी वक्त इनकी मैनेजमेंट होली इन पाकिस्तान थी? तो सिंस 1st नवंबर जो है वो 1st जुलाई के बाद आती है, ठीक है? तो ये क्योंकि 2-3 महीनों के लिए यहां पर थे, इसलिए ये रेजिडेंट होंगे एट एनी टाइम, ठीक है? तो साल, पूरे साल के लिए तो ये नहीं थे, लेकिन ये 2-3 महीनों के लिए रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये रेजिडेंट हैं। 1st फरवरी 2014 को समीर साहब को भेजा पाकिस्तान यूके बेस्ड कंपनी ने कि आप एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करके आए, और वो पाकिस्तान से चले गए कब? 23 अगस्त 2014 को। तो अब आप पहले ये देखें कि वो कौन कौन से टैक्सियर के लिए पाकिस्तान में थे, क्या एक टैक्सियर के लिए थे या एक से ज्यादा टैक्सियर के लिए थे। तो पहले तो वो 1st फरवरी 2014 को आए, तो 1st फरवरी जो है 2014, क्या वो इस पीरियड के अंदर फॉल करती है? क्या वो 1st जुलाई 2013 से लेके 30th जून के अंदर फॉल करती है? क्या 1st फरवरी इसके अंदर फॉल करती है? करती है। और क्या 23rd अगस्त इसके अंदर फॉल करता है? 23rd अगस्त 2014, ठीक है? तो आपने क्योंकि सिर्फ टैक्स ईयर 2014 का बताना है, तो टैक्स ईयर 2014 में ये 1st फरवरी से लेकर 30th जून तक हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ 2014 का बताना है। तो ये कितने दिन बनते हैं? 28 डेज हो गए फरवरी के, फिर मार्च के 31, ऐसे ही है जी, 8 और 9 और 10, 3, 6, 9, 12, 15, तो ये 150 डेज के लिए पाकिस्तान में थे। तो सिंस ये 183 डेज के लिए पाकिस्तान में इस साल में नहीं थे, जो बाकी दिन है 23rd अगस्त तक, वो इस साल में क्योंकि नहीं फॉल करते, तो इस टैक्स ईयर के लिए 150 डेज के लिए पाकिस्तान में है, तो ये रेजिडेंट नहीं है। इसी तरह बीबीआई इज अ नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक बनी थी। सारे शेयर होल्डर्स आर इंडिविजुअल, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ईयर वॉज आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है? तो इसकी कंट्रोल और मैनेजमेंट तो पाकिस्तान से बाहर थी, लेकिन ये पाकिस्तान के लॉ के अंडर बनी थी। तो हमने पहला पॉइंट कंपनी के बारे में 3 पॉइंट्स पढ़े थे, या तो वो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट हो तो वो रेजिडेंट कंपनी होगी, या फिर उसके कंट्रोल और मैनेजमेंट होली ड्यूरिंग द ईयर पाकिस्तान में रहे हों किसी भी टाइम में टैक्स ईयर में, या तीसरा पॉइंट ये था कि वो पाकिस्तान के किसी लॉ के अंडर बनी हो या पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई हो। तो सिंस ये पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक बनी है, तो इसको रेजिडेंट होना चाहिए, बेशक इसके कंट्रोल और मैनेजमेंट पाकिस्तान से बाहर थे। तो एक क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई, तो बाकी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। और फिर मिस्टर सलमान प्रॉपर्टी डीलर थे अमेरिका में, पाकिस्तान आए 1st फरवरी 2013 को और 2nd अगस्त 2013 तक पाकिस्तान रहे। पहले पेशावर रहे 30th जून तक, फिर क्वेटा में चले गए, और फिर कमिश्नर ने उनको कहा है कि आप बेशक स्पेशल टैक्स केयर इस्तेमाल कर लें, ठीक है? तो आप स्पेशल टैक्स केयर इस्तेमाल करें और फिर कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि क्या आप रेजिडेंट थे या नॉन रेजिडेंट थे, ठीक है? तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इनका जो स्पेशल टैक्स केयर था वो, इस क्वेश्चन के काफी सारे आंसर्स हो सकते हैं, अगर मैं किताब का जवाब ना देखूं तो अगर मैं अज्यूम करूं तो इनको स्पेशल टैक्स ईयर मिला हुआ था कौन सा? 1st जनवरी 2013। और ये मैं इसलिए पीरियड अज्यूम कर रही हूं क्योंकि ये फरवरी में आए और ये अगस्त तक पाकिस्तान में रहे, ठीक है? और गए थे ये 2nd अगस्त 2013 को, ठीक है? तो अगर इनका ये स्पेशल टैक्स ईयर था, और ये स्पेशल टैक्स ईयर जो है ये 31st दिसंबर को, हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि ये 1st जनवरी से लेकर 31st दिसंबर 2013 तक का टैक्स ईयर था, तो ये टैक्स ईयर कौन से में फॉल करेगा? नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा बनेगा?
स्पेशल टैक्स ईयर तो ये हो गया, नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा बनेगा? बिल्कुल 2014 का बनेगा. क्यों बनेगा? क्योंकि 30th जून 2014 से पहले पहले ये के पीरियड के अंदर ये डेट फॉल करती है. तो उसने सवाल भी हमसे यही पूछा है कि नॉर्मल टैक्स ईयर 2014 के अंदर अंदर बताएं कि क्या ये बंदा रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था. ठीक है जी. तो अब आप इसके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लें कि क्या ये 183 से ज्यादा बनते हैं या 183 से कम बनते हैं. अगस्त के दो दिन, और ये आए थे क्योंकि फरवरी में, और फरवरी की पहली तारीख को आ गए थे तो हम अज्यूम करते हैं 28 डेज है. तो कितने टोटल दिन बनते हैं? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3, 6, 9, 12, 15, 18. तो एग्जैक्टली 183 डेज के लिए, 183 डेज के लिए ये पाकिस्तान में थे. तो अब हम देखते हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं. पहला सॉल्यूशन तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर रजा क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो ये जहां इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज ये जहां भी हैं ये रेजिडेंट होंगे. ठीक हो गया. दूसरा, कंपनी रेजिडेंट होगी इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन पाकिस्तान एनी टाइम इन द टैक्स ईयर. तो फिर ये भी रेजिडेंट है क्योंकि ये 2-3 महीनों के लिए पाकिस्तान थी. फिर मिस्टर समीर, टैक्स ईयर 2014 के लिए हमने भी 150 डेज कंप्यूट किए थे, तो सिंस ये लेस देन 183 डेज है तो ये रेजिडेंट नहीं थे. और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट या फॉर्म हुई है अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान तो वो रेजिडेंट हो जाती है. ठीक है. तो ये इसलिए नॉन रेजिडेंट नहीं होगी क्योंकि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो थे वो बाहर थे, इस वजह से ये रेजिडेंट कंपनी है. और फिर आखिरी पार्ट कि आपने ये नहीं देखना वेयर ही स्टेड इन पाकिस्तान, वो पेशावर रहे, कोटा रहे, इस्लामाबाद, लाहौर, जहां मर्जी रहे, आपने ये नहीं देखना. इट इज इमटीरियल. आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे जो हमने कैलकुलेट किए हैं 1st January to 31st December तक के, क्योंकि उसमें स्पेशल टैक्स ईयर कहा था और क्योंकि क्वेश्चन में देखने में भी यही लग रहा था कि वो 2013 के पूरे साल में रहे हैं पाकिस्तान, तो इस तरह से हमने ये निकाल लिए. और क्योंकि ये 183 डेज से ज्यादा के लिए थे और इनका स्पेशल टैक्स ईयर था तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए तो 183 डेज के लिए शायद नहीं थे पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि इन पे स्पेशल टैक्स ईयर अप्लाई होता था तो इसके मुताबिक 183 डेज से इस वजह से ये रेजिडेंट थे. ठीक है जी. तो अब आपको समझ लग गई कि इस तरह का सवाल पेपर में आए तो कैसे हल करना है. और ये चीज पल्ले बांधने के टैक्स ईयर को ऐसे लिखा करें, नुक्ता डाल दे. तो टी इज फॉर 30, इसको आप जून समझें, और ये जो भी इसके आगे डेट आ रही होगी वो यहां सीधी सीधी डालना है, क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर को कैलकुलेट करने का तरीका भी यही है और स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा है वो कैलकुलेट करने का तरीका भी यही है. तो इस पे पास्ट पेपर आपके ऑटम 13 का क्वेश्चन है. आपने रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है फॉलोइंग पर्सन का. मिस्टर रमीज सऊदी अरेबिया गए 24th December को, कराची, और फिर वापस आ गए कराची 20 जून से लेकर 24 जून तक. लेकिन वो जिस काम के लिए आए थे, सेमिनार के लिए आए थे, वो सेमिनार कैंसिल हो गया. तो हमने पढ़ा था कि वो जो काम करने आए हो वो जिस भी वजह से नहीं भी हुआ तो ये चीज मैटर नहीं करती. फिर खलील जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में थे पिछले 3 साल से, और अब वो जनीवा पोस्ट हो गए हैं 1st August 2012 से 30th June के. तो मिनिस्ट्री में जो भी काम करता है इसका मतलब है वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है. इसका आंसर भी आपको समझ लग जाना चाहिए, वो रेजिडेंट थे. अली एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म में थे और कंसल्टेंसी सर्विसेज देते थे पाकिस्तान में और यूके में भी देते थे.
और मैनेजमेंट जो थी वो पार्टली यूके में और पार्टली में पाकिस्तान में, तो क्योंकि ये एओपी है और एओपी पे पूरी तरह से पाकिस्तान में होना जरूरी नहीं है, आप पाकिस्तान में हो सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकते हैं, इस वजह से ये रेजिडेंट थी। और फिर स्मिथ जो थे एक नाइजेरियन फुटबॉल कोच थे जो पाकिस्तान आए 28 फरवरी को और वापस गए 31 अगस्त को, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन आपने अभी ऊपर किया है, ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है। आप लोगों की आज होम असाइनमेंट है कि आपने पास पेपर्स का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके इसका आंसर मुझे स्मार्टफोन से तस्वीर लेके ईमेल करना है, ठीक है जी। फिर पास पेपर्स का एक और क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में क्या कहता है इंडिविजुअल्स के और कंपनीज के, ठीक है। तो इसका आपने मुझे समरी आंसर लिख के देना है, ठीक है, ये भी सॉल्व करके मुझे भेजना है किसमें सरफराज किस चीज में। तो ये क्वेश्चन भी आपने मुझे सॉल्व करके भेजना है और पूरा आंसर बेशक ना लिखे समरी में लिख दें बेशक इसका आंसर। आपने मुझे ये क्वेश्चन भेजना है, ऑटम 11 का क्वेश्चन है कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं फॉलोइंग पर्संस का फॉर द टैक्स ईयर 2011। अच्छा, जो लास्ट पेज पे लास्ट क्वेश्चन है उसमें उसने क्या नहीं बताया, देखिए उसने बताया है ना कि वो 28 फरवरी को आया था, उसने बताया है कि वो 28 फरवरी को आया था, ठीक है, और वो 31 अगस्त को गया है। तो आपने 28 फरवरी से लेके जून तक के पीरियड के लिए 30 जून के पीरियड तक के लिए कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि 31 अगस्त जो है वो जून के बाद है, तो जून के बाद का पीरियड हम नहीं देखेंगे, हम 30 जून, ठीक है जी। तो ये भी उसने आपको पीरियड बताया है। तो ये क्वेश्चन इससे नीचे वाला सिंपल क्वेश्चन, और फिर ये दोबारा से एक एक्सरसाइज है पास पेपर्स की रेजिडेंशियल स्टेटस में इन सारे लोगों की। और फिर स्प्रिंग 2012 का क्वेश्चन है, ये दोबारा से कंपनीज और एओपीज के ऊपर है, ठीक है। तो जब आप इन क्वेश्चंस की समरी आंसर्स लिख के मुझे भेजोगे, ठीक है, आप बेशक पूरा आंसर मत लिखें, आप शॉर्ट फॉर्म में मुझे आंसर लिख दें। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का फायदा यह कि हमें पता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस पे बार बार इसी तरह के सवाल आते हैं, तो आपने मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है पास पेपर्स का। मिस्टर अब्दुल्ला के बारे में भी उसी तरह से उन्होंने बताया है, आपने उनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल के बताना है। तो ये जो पास पेपर्स के सारे क्वेश्चंस हैं, ये नोट्स जंप शेयर पे पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने वहां से नोट्स कॉपी करने हैं। ये नोट्स वैसे मैंने आपको शायद आज ईमेल भी किए थे, आपने ये नोट्स कॉपी करके रेजिडेंशियल स्टेटस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज सारे के सारे सॉल्व करके मुझे भेजने हैं, ताकि मुझे पता हो कि हमने पास पेपर्स के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, तो जब आप ये कर लेंगे तो मुझे ये, अच्छा, जब आप लोग ये सब कुछ कर लेंगे तो आपका पास पेपर्स का ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। और क्योंकि इसमें सारी डेफिनेशंस भी कवर हो जाती है रेजिडेंट इंडिविजुअल एओपी और कंपनी की, तो आपको ये पूरा टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपने आज पहली असाइनमेंट आपकी ये है, क्योंकि अब हम जो भी पढ़ेंगे उसके ऊपर पास पेपर्स नहीं आएंगे, ठीक है। आगे आपको मैं बताने लगी हूं, आपको मैंने आज एक ईमेल दी थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको कहा था कि 13 नवंबर और 14 नवंबर का लेक्चर सुनना है, ये पूरा सुनना और ये 46 मिनट्स का जो लेक्चर है ये सुन के आना है, ठीक है। 13 और 14 नवंबर का जो लेक्चर है उसमें एसोसिएट्स आते हैं, फिर नीचे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उसके अलावा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं,
ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स नहीं हैं, लेकिन इनके ऊपर पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस हैं और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स के अंदर डले हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिसीज रिप्रेजेंटेटिव का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस यहाँ नोट्स के अंदर ही डले हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको ये पढ़ा इसलिए नहीं रही, आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि इस पे पास्ट पेपर आते रहे हैं तो वैसे तो आप इस पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि ये हमारे अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले पास्ट पेपर के क्वेश्चन आते रहे हैं तो दो तीन सेक्शन पढ़ लेने से अगर आपके पास्ट पेपर के नंबर बच जाते हैं, अगर आपका पेपर पास हो जाता है तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना कभी भी नुकसानदेह नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन सिंस ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं दूसरी क्लास को पढ़ा चुकी हुई हूँ, इस पे हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम आपके चलें इजाज़। फिर तो आपको पता होगा ना, फिर आपको पता होगा कि रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होते हैं, एसोसिएट कौन होता है, ऑथराइज कौन होता है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, ठीक है। आपने इजाज़ आपने लेक्चर में ये भी देखा होगा कि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन की डिस्कशन भी थी, तो आपने ऐसा करना है कि अब इस लेक्चर के बाद, आज के लेक्चर के बाद आपकी जो सबसे पहली असाइनमेंट है, जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है, वो है कि आपने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के क्वेश्चन सॉल्व करके उनकी इमेजेस मुझे भेजनी है, ठीक है, ताकि आपका ये टॉपिक एग्जाम के लिए तैयार हो जाए, याद बेशक ना हो। हमारा पर्पस इस वक्त ये है कि आपने जो अच्छी तरह से चीजें याद करनी है वो मिड टर्म्स में, टेस्ट में या फिर एग्जाम लीव में याद करनी है। अभी हमारा ये पर्पस है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और आपको ये पता हो कि पास्ट पेपर्स में कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और पास्ट पेपर्स में आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आपने पास्ट पेपर की प्रैक्टिस अभी करनी है, जब आप वो करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ये टॉपिक भी याद हो जाएगा। दूसरा काम आपने ये करना है, अगर आपने 13 और 14 के लेक्चर अभी नहीं देखे तो आपने ये काम करने के बाद 13 और 14 के लेक्चर देखने हैं, जब आप वो देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस पे किस तरह के सवाल आते थे और उस पे याद करने के सवाल आते थे, ठीक है। उसमें कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है जो आपको कॉम्प्यूटेशन समझ आए, उसमें सारे तकरीबन रट्टे के सवाल हैं, ठीक है जी। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं और ये मैं इसलिए कर रही हूँ, आपको ये सारा इसलिए नहीं पढ़ा रही कि ये सिलेबस की आइटम नहीं है, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको और नई क्लास को मैं जल्द से जल्द एक टाइम पे ले जाऊं, क्योंकि मेरे जो पुराने बच्चे थे उन्होंने क्लास में आना ही छोड़ दिया है कि अभी तो मिस पुरानी चीजें पढ़ा रही है, वो चेक भी नहीं करने आते कि मिस कितना पुराना पढ़ा रही है, कहीं नई तो नहीं, नया तो नहीं पढ़ाना शुरू हो गई। तो इंशाल्लाह कल से हम लोग वही पढ़ना शुरू कर देंगे, जो कल से आप लोग उसी लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे जिसपे वो लोग हैं, ठीक है। अब ये आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है उसका सेक्शन 3 और सेक्शन 9 मिला के पढ़ाने लगी हूं मैं, और मिला के इसलिए पढ़ाने लगी हूं कि उन्होंने कुछ बातें आपकी बुक के सेक्शन 3 में लिखी हैं, कुछ बातें सेक्शन 9 में लिखी हैं, लेकिन चीजें अच्छी तरह समझने के लिए और ज्यादा जल्दी याद करने के लिए बेहतर है कि हम इकट्ठा पढ़ें इसको। आप अभी इसको इकट्ठा पढ़ेंगे लेक्चर में, जब आपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना है या आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो वो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी ऑर्डर में पढ़ें। मैं आपको इसलिए इकट्ठा पढ़ा रही हूँ कि जब आप सेक्शन 9 तक पहुंचेंगे तो आपको ये चीजें भूल चुकी होंगी कि इनका इनसे क्या ताल्लुक है, और जब आप रेलेवेंट चीजें इकट्ठे पढ़ते हो तो उनको याद करना ज्यादा आसान हो जाता है, उनको समझना और याद करना ज्यादा आसान हो जाता है। सेक्शन 3 बेसिकली इनकम के ऊपर है और सेक्शन 9 रूल्स फॉर इनकम के ऊपर है। तो ये इनकम जो है ये आपकी स्टडी टेक्स्ट के पेज 50 पर है, ठीक है। अगर कोई निशान लगाना चाहता है कि मैंने कितना पढ़ लिया तो ये पेज 50 से हम शुरू करें, और ये डेफिनेशन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 2 है, ये बुक के सेक्शन है और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 2 हमने कल भी डिस्कस किया था कि डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती है। तो ये सेक्शन 2 का सबसेक्शन 29 है इनकम की डेफिनेशन, कि टैक्स में इनकम क्या होती है, और साथ ही हम क्या करते हैं, हम साथ ही क्योंकि हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया बेसिक्स का,
पहली जो बेसिक्स में बात थी वो थी टैक्स, टैक्स ईयर, टैक्स पेयर, पर्सन। अब हम शुरू करने लगे हैं, आपको याद होगा ये जो फॉर्मूला था इसमें टैक्सेबल इनकम का जिक्र हुआ था, तो टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकम क्या चीज होती है, तो हम इनकम की डेफिनेशन पढ़ने लगे। इनकम की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड्स का वर्ड यूज करती है, ठीक है। द डेफिनेशन यूजेस द वर्ड इंक्लूड्स बिकॉज इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, ठीक है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कि ये सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं है जो, ये सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं है जो इसमें इंक्लूडेड हैं, बल्कि इट ऑल्सो कवर्स ऑल सच थिंग्स विच द टर्म सिग्निफाइज अकॉर्डिंग टू इट्स जनरल एंड नेचुरल मीनिंग। तो आपने सिर्फ इन चीजों को कंसिडर नहीं करना, इसके अलावा भी जो चीजें यूजली इनकम होती हैं आपने उनको भी कंसिडर करना है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है जब वो आपको जो जो भी चीजें बता रहा हो उनके अलावा डेफिनेशन में कुछ ना आता हो, तो ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। इनके अलावा भी इनकम यूजली भी, जिसको आम अल्फाज में टैक्स के अलावा भी जिन चीजों को इनकम बोलते हैं, इस डेफिनेशन के अलावा भी उन चीजों को हम इनकम ही कंसिडर करेंगे। तो इनकम सबसे पहले तो वो है एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, यानी जिस चीज पर टैक्स लगे अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। दूसरा, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, यानी कि वो असल में इनकम नहीं थी लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पर्पजेस के लिए आपने उसको इनकम ट्रीट किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी बहन को कोई तोहफा दिया है अपना टैक्स बचाने के लिए या छुपाने के लिए, ठीक है। तो हालांकि वो मेरी बहन की भी इनकम नहीं है और मेरी भी इनकम नहीं है, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज उसको ट्रीट एज इनकम करेंगी ताकि मैं टैक्स ना बचा सकूं, मुझे उन पे पैसे देने पड़े उनको। लॉस ऑफ इनकम, तो हम अकाउंटिंग में तो प्रॉफिट और लॉस का वर्ड यूज करते हैं, तो टैक्स में हम इनकम का वर्ड यूज करते हैं, बेशक वो प्रॉफिट हो या बेशक वो लॉस हो, लॉस को भी हम इनकम ही बोलते हैं। और फिर एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 148, 50, 52, 53, 54, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो ये भी ट्रीटेड एज इनकम वाली चीजें हैं कि ये असल में तो आपकी इनकम थी या नहीं भी थी अगर, लेकिन जिस बंदे ने आपको पैसे देने थे, आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को चीजें बेची हैं, उसने आपको 100 रुपए देने हैं, तो वो 100 रुपए में से कुछ टैक्स काट लेगा और बाकी पैसे आपको दे देगा। जो टैक्स आपने देना था वो बंदा आपका अपना टैक्स काट के आपको वो पैसे देगा। तो इसको भी फिर हम इनकम ही ट्रीट करते हैं क्योंकि उस अमाउंट के ऊपर टैक्स कटता है, तो फिर हम उसको भी इनकम ट्रीट करते हैं, ठीक है जी। समी, इस वक्त हमारी ऑडिट की क्लास हो रही है या आप टैक्स की क्लास लेने आए हैं? तो अच्छा, अब एजाज और सरफराज आपको ये क्लियर हो गया कि इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं, जो चीज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंडर इनकम होती है, या फिर अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो वो भी इनकम है, कोई चीज असल में इनकम नहीं थी उसको आपने ट्रीट एज इनकम किया है वो भी इनकम है, और अगर आपने किसी भी अमाउंट पे जिस पे टैक्स, जिस बंदे ने आपको पैसे देने थे उस पे टैक्स काट के आपको पैसे देता है वो भी इनकम ट्रीट होती है। फिर रिसीट ऑफ इनकम, या आपकी बुक के पेज 72 पे है, सेक्शन ऑर्डिनेंस का सेक्शन 69 है, अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट बेनिफिट ऑफ परक्विजिट। अमाउंट का मतलब पैसे, बेनिफिट का मतलब फायदा। अच्छा जी, अमाउंट का मतलब पैसे, बेनिफिट का मतलब फायदा, और परक्विजिट का मतलब भी होता है कोई फायदा, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को एक्चुअली कुछ मिला है या उसको वो चीज फराहम कर दी गई है, बेशक वो उसको इस्तेमाल करे या ना करे, उसको दे दी गई है कि ये तुम्हारी हुई, या फिर
अगर उस बंदे ने खुद तो वो इस्तेमाल नहीं की लेकिन किसी और से कहा है कि मेरे बिहाफ पे या मेरी इंस्ट्रक्शन पे, मेरी हिदायत पे या कानून की किसी हिदायत पे वो चीज इस्तेमाल हो गई है तो वो रिसीव्ड होगी। तो ट्रीटेड इसीलिए कहा है कि यहां पर तो उसको असल में वो चीज मिली है लेकिन यहां पे उसने वो चीज इस्तेमाल नहीं की या उसने अपने लिए इस्तेमाल नहीं की, उसने वो चीज किसी और पर्पज के लिए अगर इस्तेमाल की है तो बेशक उसको नहीं मिली, उसने इस्तेमाल नहीं की लेकिन उसके कहने पे इस्तेमाल की गई है या उसको दे दी गई है तो वो रिसीव्ड हो जाएगी। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज में वो आपसे पूछता है कि आप बताएं कि क्या ये चीजें रिसीव्ड हैं या नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो मिस्टर बशीर जो है वो होंडा एटलस मोटर्स लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं और उन्होंने क्लाइंट्स के पास जाना है कि जी हमारे पैसे दें और इनको ये रिस्पॉन्सेज मिले हैं, तो आप बताएं कि क्या इनको पैसे वसूल हो गए हैं, क्या टैक्स वाली रिसीट कंसिडर करें इनकम की या ना कंसिडर करें। तो इसका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है, होंडा एटलस मोटर्स लिमिटेड इंटरेस्टेड है टू नो अमाउंट ऑफ रिसीट विच आर लाइबल टू बी एडेड टू टैक्सेबल इनकम, यानी कि हमारी इनकम कितनी है। तो पहली बात तो ये कि वन ऑफ द क्लाइंट पेड हिम अ सम ऑफ 96,500 आफ्टर डिडक्टिंग अ टैक्स ऑफ 3,500। ठीक है, तो क्या ये रिसीट ऑफ इनकम है, किसी ने उसको पैसे दिए हैं 96,500 तो क्या ये इनकम है। अच्छा, फिर दूसरे केस में मॉडर्न मोटर्स ने कहा है कि हमने आपको 35,000 रुपीज तो पहले दे दिए, कैसे दिए, आपको नहीं दिए, आपके कहने पे सरहद मोटर्स को दे दिए, आपने इंस्ट्रक्शंस दी थी और आपके कहने पे हमने सरहद मोटर्स को ये पैसे दे दिए। ठीक है, तो क्या ये रिसीट है। अच्छा सॉरी, दरमियान में जिले सुबहानी आप हैं या समी है आपकी जगह, क्योंकि समी ने मुझे कहा था कि आप टैक्स पढ़ने आएंगे। गुड हो गया। अच्छा चलें जी, वेलकम बैक जिले, और हम कोशिश करेंगे कि आपके पर्चे पास हो जाए। ठीक है, तो मॉडर्न मोटर्स जो है ये भी आपने सही बताया कि ये रिसीट है, और जिले में आपको ये भी बता दूंगी कि जो जो हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं और अब आपने उनको कैसे कवर करना है। ठीक है, क्योंकि आपके एक दो लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो हम उनको भी कैसे कवर करेंगे। फिर सिटी फ्लायर्स जो है उसने 55,000 की अमाउंट ट्रैवलिंग टिकट्स की जो होंडा एटलस ने उनसे खरीदी थी वो एडजस्ट कर दी है और बाकी 45,000 रुपए उनको पे कर दिए। कहने का मतलब ये कि सिटी फ्लायर्स ने 55,000 की अमाउंट जो थी वो भी देनी थी और 45,000 की अमाउंट भी देनी थी होंडा एटलस वालों की। अब 45,000 की अमाउंट तो उन्होंने दे दी, उन्होंने पे कर दी है, और जो 55 थी उन्होंने वो पे नहीं की, उसके बजाय होंडा एटलस को टिकट्स दे दिए। तो टोटल कितनी अमाउंट की रिसीट है, 55 की, 45 की या टोटल अमाउंट की। लाख रुपए की रिसीट है 55 की या 45 की है। बिल्कुल ठीक से फराज, इजाज कितनी अमाउंट की है और जिले आपको कितनी लगती है, कितनी अमाउंट की। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने बेशक सारे के सारे पैसे नहीं दिए लाख रुपए के, लेकिन 45,000 इन्होंने एक्चुअली कैश में दे दिए और बाकी भी किसी तरह से इनको दिए, टिकट्स के फॉर्म में दे दिए। हमीद संत कहते हैं कि उन्होंने अब जो पे करनी थी अमाउंट होंडा एटलस को वो पेबल के तौर पर रिकॉर्ड करनी है, लेकिन उसकी जो सेटलमेंट होगी यानी जो पैसे देने हैं वो ड्यू कोर्स में आहिस्ता आहिस्ता पैसे देंगे। तो क्या ये रिसीट है या नहीं है।
वो कह रहे हैं हम मानते हैं हमने आपके पैसे देने हैं लेकिन इस वक्त पैसे नहीं है। अच्छा तो सरफराज ये रिसीट नहीं है यार, वो उन्होंने मान तो लिया कि हमने पैसे देने हैं लेकिन उन्होंने पैसे दिए तो नहीं ना। देखो उन्होंने ये जरूर माना कि हमने आपके पैसे देने हैं लेकिन उन्होंने कुछ भी आपको ना ही एक्चुअली रिसीव किया आपने, ना ही आपके बिहाफ पे किसी और को कुछ दिया है या आपके कहने पे आपके इंस्ट्रक्शंस पे किसी को दिया है, और ना ही उन्होंने किसी चीज के अगेंस्ट एडजस्ट किए कोई अमाउंट, तो आपको तो कोई फायदा भी नहीं आया ना। तो किसी तरह से तो कोई फायदा आना चाहिए था। तो ये पहली अमाउंट तो 100,000 की हो गई, दूसरी 35,000 की हो गई, फिर 100,000 की अमाउंट हो गई, और फिर नील, क्योंकि उन्होंने अभी ना कोई पैसे दिए ना कोई और फायदा दिया आपको, उन्होंने बस कहा कि हाँ असी तुहाडे पैसे देन लगे हैं। उसके बाद हम पढ़ने लगे टैक्सेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे आके ना मेरी जुबान बेचारी जो है वो थक जाती है टैक्सेशन बोल बोल के। टैक्सेबल इनकम में सबसे पहले हमने इनकम पढ़ी और फिर इनकम में हमने रिसीट पढ़ी कि रिसीट किसको ट्रीट करते हैं, और फिर हमने पढ़ा है सेसेशन। अभी हम पढ़ने लगे हैं सीज करने का मतलब होता है, सीज करने का मतलब होता है खत्म हो जाना, सेसेशन का मतलब होता है खत्म हो जाना, कंटिन्यूएशन का मतलब होता है चलते रहना, सेसेशन का मतलब है खत्म हो जाना। तो ये ऑर्डिनेंस का सेक्शन 72 है, आपके पेज 75 के ऊपर लिखा है दिस सेक्शन अप्लाइज वेयर एनी इनकम डिराइव्ड बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम एनी बिजनेस एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट और अदर सोर्स दैट हैज सीज्ड ईदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर। तो पहली बात तो ये सेक्शन किस पे अप्लाई होता है, अगर जो इनकम कोई भी बंदा, अच्छा जिले बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, मैं सेक्शन नंबर सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए बताती हूँ, आपने पेपर के लिए सेक्शन नंबर नहीं याद करने, और अगर आता भी हो तो पेपर में सेक्शन नंबर नहीं लिख के आना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी बोंगी भी लग जाती है, बंदा बहुत शोर होता है लेकिन गलत लिखाता है, तो सेक्शन नंबर उसने क्योंकि मांगे नहीं है, ओवर एक्सेलेंसी नहीं करनी पेपर में, ठीक है। तो ये सेक्शन पहली बात तो अप्लाई होता है अगर कोई भी इनकम जो है किसी टैक्स ईयर में किसी भी बिजनेस किसी और एक्टिविटी किसी इन्वेस्टमेंट से किसी भी सोर्स से इनकम आ रही थी वो रुक गई है, या तो उस साल के शुरू होने से पहले या फिर उस साल के दरमियान। इस केस में इनकम डिराइव्ड बिफोर जो भी आपकी एक्टिविटी थी सीज्ड, यानी कि आपका जो भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट कोई और जो भी आपकी एक्टिविटी थी उसके खत्म होने से पहले पहले जितनी भी इनकम आई है वो चार्जेबल टू टैक्स होगी एज इफ द सोर्स ऑफ सच इनकम हैड नॉट सीज्ड। कहने का मतलब ये कि आपका अगर कोई बिजनेस ठप ठपा हो गया है तो आप टैक्स वालों को ये नहीं कह सकते कि जी अब तो हमारे पैसे आना बंद हो गए हैं तो हम टैक्स नहीं देते। जितने पैसे आए थे उस बिजनेस को खत्म होने से पहले पहले आपने उन पे टैक्स इसी तरह देना है एज इफ आपका बिजनेस ठप ठपा नहीं हुआ। एक्सरसाइज टैक्स ट्रीटमेंट बताएं, 21 मार्च 2008 को आग लग गई दुकान में मिस्टर इमरान की, सारा स्टॉक जो था शहद का 1,00,000 रुपए का डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम तो आपको 1,00,000 रुपया नहीं देते, तो इमरान साहब का बिजनेस सीज हो गया 30 जून 2008 से। तो ये कौन से टैक्स ईयर है, जल्दी उफ, 2 सेकंड की गेम होनी चाहिए आपके लिए टैक्स ईयर लिखना, कोई रिप्लाई कर दे कौन सा टैक्स ईयर है जल्दी बताएं। सरफराज को लिखने में सोचने में इतना टाइम लग गया, बहुत ही आसान सा जवाब था, बिल्कुल टैक्स ईयर 2008। इन द रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम होती है वो डॉक्यूमेंट जिसमें हम बताते हैं कि हमारी कितनी इनकम थी कितना टैक्स बनता है। 2008 की जो थी, अच्छा ये नीचे लिखा हुआ भी था टैक्स ईयर 2008,
तो इमरान ने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, तो आप मुझे ये अलाउ करें कि मुझे इतनी इनकम नहीं आई ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने लॉस अलाउ कर दिया एज अ डिडक्टेबल चार्ज। और फिर 2013 में इंश्योरेंस कंपनी ने, इमरान साहब ने उनका खेड़ा नहीं छोड़ा, उन्होंने उनको लीगल नोटिसेस भेजते रहे, कानूनन वो इंश्योरेंस कंपनी के पीछे पड़े रहे कि मेरे पैसे दो मेरे पैसे दो, और 2013 में उनको 75,000 रुपए मिल गए। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता देती हूँ, लेकिन हमने असल में ये किताब में यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी आपने ये चीज नहीं पढ़ी। ये नीचे हम पढ़ेंगे रीकू एक्सपेंस, कहने का मतलब ये कि जहां पर आपने कोई टैक्स वालों से रिलीफ मांगा हो कि जी मुझे इतना खर्चा छोड़ दे, क्योंकि मुझे असल में इतने पैसे मेरे नहीं आए थे, अगर उसका लाख रुपए का स्टॉक था, अगर वो प्रॉफिट पे ना बेचता कॉस्ट पे बेच देता तो उसको लाख रुपए की इनकम आती, तो उसने लाख रुपए की इनकम इसलिए नहीं शो की टैक्स वालों को, उसने कहा कि मेरा तो ये सारा कुछ जल गया था, तो मैं इसको इनकम के तौर पर नहीं लॉस के तौर पर क्लेम करना चाहता हूँ, आप मुझे लाख रुपया छोड़ दें, लाख रुपए के ऊपर टैक्स ना लें। लेकिन 2013 में उसको 75,000 रुपए वापस मिल गए, तो उसने लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे नहीं किया था, तो उसको क्योंकि 75,000 आए हैं तो उसने 75,000 के ऊपर अब टैक्स पे करना है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि मैं इतने रुपए नहीं करूंगा, तो अभी भी क्योंकि उसको 25,000 तो नहीं मिले, उस पर उसको टैक्स पे नहीं करना चाहिए, लेकिन 75,000 क्योंकि उसको वापस आ गए हैं तो इस पर उसने टैक्स पे करना है। लेकिन ये एग्जाम्पल इस टॉपिक की नहीं है, इस ये जहां पे आपकी स्टडी टेक्स्ट में ये एग्जाम्पल है उस पर लिख दें रीकू एक्सपेंस, ठीक है, वो नीचे जाके हम पढ़ेंगे। तो लॉ कहता है कि अगर कोई भी इनकम आपकी आई हो, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि उसकी इनकम कोई नहीं आई थी, बेचारे के गोदाम में आग लग गई थी, ठीक है, तो आपने इसी तरह से उस पर टैक्स अप्लाई करना है एज इफ देयर हैड बीन नो सेसेशन, ठीक है। तो अगर इसकी एग्जाम्पल होती तो वो आपको एग्जाम्पल ये देता कि इतनी इनकम थी, इस डेट को बिजनेस सीज हो गया था, और आंसर ये होता कि बेशक बिजनेस खत्म हो गया था ड्यूरिंग द ईयर, तो आपकी फिर भी इनकम पे टैक्स लग जाता। तो अब वो आगे आपको बता रहा है द अबव अमाउंट शेल बी ऑफर्ड फॉर टैक्स, यानी जो 75,000 की अमाउंट उसको आई है, इट शेल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो हमने इनकम, उसकी रिसीट और उसकी खत्म होना, उसका सोर्स अगर खत्म हो जाए वो तो पढ़ लिया। रीकू एक्सपेंडिचर हम आगे पढ़ेंगे टोटल इनकम पढ़ने के बाद, ठीक है। तो हमने सूखी सूखी इनकम तो पढ़ ली, कि सूखी सूखी इनकम क्या होती है, अब हम पढ़ने लगे टोटल इनकम कैसे निकलती है, और आखिर में हमें पता चलेगा कि टोटल इनकम का टैक्सेबल इनकम से क्या ताल्लुक है। तो टोटल इनकम जो होती है, नाम से पता चल रहा है, सारी इनकम्स इकट्ठी कर लो तो टोटल इनकम बन जानी चाहिए। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेक्शन 10 पे आ गए हम दोबारा, या आपकी बुक का सेक्शन 3 है, लेकिन ये और आपकी टोटल इनकम आपकी बुक में सेक्शन 3.3 है, और ये ऑर्डिनेंस का सेक्शन 10 है। टोटल इनकम शैल बी सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम एंड इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ऑल हेड्स ऑफ इनकम ये आ गए, और इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स को जब आप टोटल करेंगे तो जो अमाउंट होगी वो टोटल इनकम आएगी। ये तो सीधा सीधा समझ आ गया, जो बड़ा आसान बात थी कि जो हेड्स ऑफ इनकम जो भी चीज होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे, हेड्स ऑफ इनकम के अंदर जितनी इनकम आती है उसमें अगर आप एग्जेम्प्ट इनकम ऐड करें, एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी होती है, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो हमने देखा कि टैक्स वाले सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका बेशक कोई टैक्स वाली इनकम थी या टैक्स के बगैर भी इनकम थी, आपने सारी बतानी है। फिर हम देखते हैं हेड्स ऑफ इनकम क्या चीज है। हेड्स ऑफ इनकम फॉर द पर्पजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऑल इनकम shall be classified under the following head, यानी के tax लगाने के लिए और total income calculate करने के लिए सारी incomes को 5 तरह की categories में classify कर दिया जाता है।
या तो वो किसी को नौकरी के पैसे मिले होंगे, सैलरी मिली होगी, या उसको किराया मिला होगा। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिर्फ जमीन को या बिल्डिंग को किराए चढ़ाने पे मिलती है, या उसने कोई बिजनेस किया होगा, या उसके पास कोई प्रॉपर्टी होगी। कैपिटल गेन्स का मतलब ये है कि उसके पास कोई कैपिटल एसेट था, यानी कोई कीमती चीज थी जो उसने बेची है और उसको पैसे आ गए हैं, और जो चीज उसको कोई इनकम आई है जो इन सारे हेड्स के अंदर फॉल नहीं करती, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ तो एक्सप्लिसिट होती हैं, वो आपको वैसे ही बता देता है कि ये चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं, और कुछ इम्प्लिसिट इनकम्स हैं, यानी उसने लिख के तो नहीं बताया कि ये चीजें आएंगी इसमें, लेकिन क्योंकि वो ऊपर वाले किसी हेड में फॉल नहीं करती, तो फिर हमने कहीं ना कहीं तो दिखानी है, तो हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा देते हैं। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखें, वही जो हमने ऊपर कैलकुलेशन देखी थी कि टोटल इनकम इज इक्वल टू हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल गया कि अगर हम इसी को एक्सपैंड करें तो हेड्स ऑफ इनकम 5 हैं। हम आगे इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। टोटल इनकम को जब हम एक्सपैंड करें तो हेड्स ऑफ इनकम भी आ गया, एग्जेम्प्ट इनकम भी आ गया। हेड्स ऑफ इनकम क्या है? सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल और अदर सोर्सेज। इन सब का आप टोटल करेंगे, ये इधर नहीं आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए, ठीक है जी, और फिर इसके नीचे इसको ऐड करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। तो हमने टोटल इनकम में पढ़ा कि कुछ चीज होती है हेड्स ऑफ इनकम, और यहाँ पे जगह खत्म होनी शुरू हो गई है। तो जिले जब आपको मैं पढ़ाती होती थी ऑडिट, तो हम ये नहीं बनाते होते थे, लेकिन अब हम इस तरह के एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें समरी याद हो जाए कि आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली पर्सन में नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट पढ़ा, और हमने टैक्सेबल इनकम को शुरू किया है। इसमें हमने इनकम देखी है, अब मेरे साथ साथ ही थे, रिसीट देखी है, सेसेशन देखी है, टोटल इनकम देखी है और हेड्स ऑफ इनकम देखी है। अब हम आगे चलते हैं। तो इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम कैसे निकालनी है, ठीक है। इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर कैसे निकालनी है? टोटल ऑफ द अमाउंट दैट आर चार्जेबल टू टैक्स, यानी आपने एग्जेम्प्ट नहीं लेनी, आपने सिर्फ एग्जेम्प्ट वाली जो भी है वो बस यहाँ पे एग्जेम्प्ट में दिखानी है। जो टैक्सेबल अमाउंट है उस हेड की वो लेनी है, और उसमें से रिड्यूस कर देना है टोटल डिडक्शन जो यूजुअली एक्सपेंसेस होते हैं, इफ एनी अलाउड अंडर द ऑर्डिनेंस टू द पर्सन। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ डिडक्शंस होती हैं, जैसे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो वो टैक्स जो है वो आपसे, हम कहते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी हमारी कॉस्ट आई होती है, और फिर जो हमारा प्रॉफिट आया होता है, इनको टैक्स तो प्रॉफिट पे लेना चाहिए ना, क्योंकि हमें सेल्स की टोटल अमाउंट तो नहीं आई, हमने कोई खर्चा भी तो किया था। तो इसी तरह से जो इनकम में से आप एक्सपेंस माइनस करते हैं अकाउंटिंग में, इसी तरह से कुछ इसी नेचर का, कुछ इसी तरह से वो आपसे कहते हैं कि सारी की सारी इनकम इकट्ठी कर लें जो चार्जेबल टू टैक्स है, और उसमें से कुछ डिडक्शन जो हम टैक्स वाले आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सा खर्चा कितनी कितनी अमाउंट का कितनी कितनी परसेंटेज का माइनस कर सकते हैं। तो आप अब ये कॉम्पिटिशन देखें कि हमने इसी कॉम्पिटिशन को फर्दर इलेबोरेट किया, सारे हेड्स ऑफ इनकम आ गए थे हमारे पास, तो हम सब हेड्स ऑफ इनकम में इसी तरह से टोटल इनकम निकालने के लिए सबकी ये कैलकुलेशन करेंगे, और फिर उसमें एग्जेम्प्ट इनकम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। फिर वो कहता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की कैसे कौन कौन सी इनकम लेनी है। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की हमेशा याद रखना है, रेजिडेंट के केस में पाकिस्तान सोर्स इनकम भी लेनी है और बाहर से अगर उसको कोई इनकम आई है वो भी लेनी है। क्यों? क्योंकि वो बंदा पाकिस्तान में टैक्सेबल है, वो क्योंकि रेजिडेंट था, तो
तो वो बेशक पाकिस्तान से पैसे लेता रहा है, बेशक बाहर से पैसे लेता रहा है, उसकी इनकम पे टैक्स हम लगाएंगे। अगर कोई नॉन रेजिडेंट था तो इसका मतलब है कि वो बेसिकली पाकिस्तान में कोई काम करके फायदा नहीं उठाता ना, पाकिस्तान में से कुछ इनकम उसने कमाई है लेकिन बेसिकली वो किसी और कंट्री में टैक्सेबल होना चाहिए। तो पाकिस्तान में उसकी जो इनकम है उस पर हम टैक्स लगाएंगे, और बाकी उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है उसमें जिस कंट्री में वो प्राइमरीली टैक्सेबल है वो उसी में अपना टैक्स पे करें। ठीक है जी। तो ये भी हमने देख लिया कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम लेनी है। रेजिडेंट के केस में आपने पाकिस्तान प्लस फॉरेन सोर्स लेनी है, और इसके केस में नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम लेनी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और फिर इसको अगर हम समराइज फॉर्म में देखें तो रेजिडेंट की दोनों होती है, नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स होती है। रीजन भी हमने देख ली कि किस वजह से। अब ये अनफॉर्चुनेटली एक आधी पचद्दी एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल है करंसी कन्वर्जन की। तो मेरे नोट्स में ना ये कभी कभी ये ग्लिच है इस सॉफ्टवेयर में कि पूरे नोट्स नजर नहीं आते। हम देख लेते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर मिल गई तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये करंसी कन्वर्जन की एग्जाम्पल है। टैक्स वाले ये कहते हैं कि आपको आपने जिस मर्जी करंसी में इनकम कमाई है आपने टैक्स पाकिस्तानी रुपयों में उसके ऊपर देना है। आपने पहले उसको कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीज में और फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना अपना। बेशक आपने डॉलर्स में इनकम कमाई है, यूरोज में इनकम कमाई है, आप जिस मर्जी करंसी में कमाएं आपको टैक्स जो है वो इसी करंसी में देना। अच्छा, ये देखें आपके ये वही नोट्स हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर वो पूरा सेक्शन आ रहा है तो हम यहीं पर ये सेक्शन पूरा पढ़ लेते हैं। मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि नजर भी आए क्या लिखा हुआ है। करंसी कन्वर्जन का सेक्शन है अब, लेकिन ये क्योंकि सॉफ्टवेयर में वो यूज नहीं करे तो मुझे यहाँ पर ये मसला है कि मैं यहाँ पर चीजें हाईलाइट करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर शेप्स में जाकर लाइनें ड्रॉ करना शुरू कर दूं। करंसी कन्वर्जन, ठीक है, तो करंसी कन्वर्जन में बेसिकली वो कहता है एवरी अमाउंट taken into account under the income tax ordinance shall be in rupees. If an amount is in a currency other than rupees, यानी किसी और करंसी में, shall be converted to the rupee, जिस भी करंसी में थे उससे रुपयों में कन्वर्ट कर लें। कौन सा रेट लेना है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट लेना है। और किस डेट का लेना है? The date the amount is taken into account for the purposes of income tax ordinance, यानी कि जिस दिन भी उस पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है तो उसी दिन का रेट लगाना है जिस दिन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखना था कि इनकम है किसी डेट की, तो इनकम टैक्स के लिए जो भी इनकम के रूल्स हैं आपने उस डेट के मुताबिक लेना है। नहीं जिले, आपने ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, आपने ओपन मार्केट का रेट नहीं लेना, आपने सिर्फ स्टेट बैंक का रेट लेना है। ठीक है जी। तो इस पे आपका क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स वाई जी को यूएस डॉलर 500 मिले हैं 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल की ये आपकी इनकम है, 14 अप्रैल को डॉलर्स आए हैं आपके पास 500, और उस दिन स्टेट बैंक का रेट क्या था? रुपीज 90, एक डॉलर के बदले 90 रुपए मिलते थे। और फिर उन्होंने खर्चा भी किया है 250 यूरोस का ताकि वो इतने पैसे कमा सकें, और ये खर्चा लेकिन उन्होंने 15 अप्रैल को किया था। तो 15 अप्रैल को रेट था 125 का, यानी एक यूरो के बदले 125 रुपए पाकिस्तानी। अब वो आपसे कहता है कि आप मुझे टैक्स पर्पसेस के लिए बताएं कि इसकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी बननी चाहिए। तो आप इनकम सेल्स, उसकी जो भी अर्निंग है उसके ऊपर सेल्स की डेट का रेट लगाएंगे, क्योंकि वो 14th अप्रैल को आई थी, तो यहाँ 14th अप्रैल का रेट लगेगा, और जो एक्सपेंस आप माइनस करेंगे उस पे 15th अप्रैल का रेट लगेगा, और इनकी जो नेट अमाउंट होगी पाकिस्तानी रुपयों में उस पे ये टैक्स पे करेंगे।
ठीक है जी। तो हमने ये भी देख लिया कि हम इनकम हमेशा करेंसी कौन सी दिखाएंगे इनकम की, पीकेआर यानी पाकिस्तानी रुपीस, हमने ये भी देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। चले जी, अब 4 बज गए, तो 4 बजे हमने नमाज की ब्रेक करनी थी, या फिर ज्यादा आसान काम करते हैं, ये 4 बजे कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इसके बाद हम फिर वापस आएंगे और 15 मिनट की नमाज, तो इससे बेहतर है कि हम 2:45 से सीधा सीधा 4:15 तक पढ़ लिया करें। हमने 1 hour 30 minutes पढ़ना होता है, तो हम सीधा सीधा 2:45 से 4:15 PM की क्लास रखते हैं और 4:15 से 4:30 तक आपकी जो क्लास खत्म हो जाएगी आप आराम से नमाज पढ़ लें। मैं भी अपनी अगली क्लास से पहले दरमियान में ब्रेक लेके नमाज पढ़ लिया करूंगी, ठीक है। तो हम 4:15 पे क्लास एंड कर देंगे, ठीक है जी। चले तो अब हम लॉसेस देख लेते हैं कि जरूरी नहीं है आपको हमेशा इनकम ही आए, आपको नुकसान भी हो सकता है, लॉस भी आ सकता है। तो जब लॉस आएगा तो आपने क्या करना है? अगर लॉस कब आता है, जब डिडक्शंस अलाउड अंडर अ हेड ऑफ इनकम जो होती हैं वो एक्सीड करती हैं टोटल अमाउंट डिराइव्ड बाय द पर्सन इन दैट ईयर चार्जेबल अंडर द हेड, यानी कि जब डिडक्शंस जो हैं, डिडक्शंस अलाउड वो ग्रेटर होंगी इनकम से, इनकम चार्जेबल टू टैक्स, चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। जब डिडक्शंस अलाउड ज्यादा होंगी तो उसको लॉस हो जाएगा, और हमने ऊपर पढ़ा था कि लॉस को भी हम इनकम ही कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। तो जो एक्सेस अमाउंट होगी वो लॉस हो जाएगा उसका। और लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट है, इनकम जो लॉस है जिसको हम इनकम के तौर पर ट्रीट करते हैं, उसको कैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो वो हम स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम मैथमेटिकली देखें तो जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी, डिडक्शंस अलाउड जब इससे बड़ी हूं, ये नेगेटिव अमाउंट आ जाए तो वो लॉस होता है। तो हमने इनकम भी पढ़ ली और हमने लॉसेस भी पढ़ लिए, लेकिन लॉसेस जो हैं उनकी ज्यादा डिटेल हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और क्योंकि ये बार बार अप्लाई नहीं होता। फिर एक बहुत मुश्किल सेक्शन आ गया है, अपोर्शनमेंट ऑफ रिडक्शन, और हम इसके फौरन बाद अपना लेक्चर खत्म कर देंगे आज का, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबी बात हो जाएगी, मुश्किल बात। तो पहले से तैयार हो जाए, इसको मैं आसान तरीन करके हम फौरन चीजें समझ लेंगे। तो टैक्सेबल इनकम में टोटल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, लॉसेस, डिडक्शन हमने देख ली। अब हम देखने लगे हैं अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, और मैं ये देख रही हूं कि मैं हेड्स ऑफ इनकम के नीचे अगर एक और थोड़ा सा अपना चार्ट बढ़ा लूं, हेड्स ऑफ इनकम में हमने देखा इनकम चार्जेबल टू टैक्स, लेस डिडक्शन अलाउड, और अब हम देखने लगे हैं हेड्स ऑफ इनकम में अपोर्शनमेंट कैसे करनी है। ये जो डिडक्शन हैं, अगर सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तीनों की इनकम अर्न करने के लिए आपने इकट्ठा कोई खर्चा किया है, तो आप वो खर्चा फिर किस में से माइनस करेंगे, सैलरी में से माइनस करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करेंगे, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस करेंगे। तो इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट जो है ये तब अप्लाई होता है जब आपने अपोर्शनमेंट करनी हो किसी रीजनेबल बेसिस पे, यानी कोई सेंसिबल लॉजिकल तरीका होना चाहिए। आप देखते हैं नेचर एंड साइज ऑफ एक्टिविटीज के, किस एक्टिविटी पे ये अमाउंट जो थी ये एक्सपेंड हुई है, किस चीज पे एक्सपेंड आउट हुई है, ठीक है जी। तो फिर ये किस केस में होगा, अगर डेरिवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम,
यानी एक से ज्यादा तरह की इनकम अर्न करने पे आपका इकट्ठा एक खर्चा हुआ है, या फिर डेरिवेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स एंड टू सम अदर पर्पस, यानी थोड़ा सा तो खर्चा इस वजह से हुआ है कि आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न की थी जो टैक्सेबल थी, और बाकी खर्चा जो हुआ है वो किसी और वजह से हुआ है, किसी एग्जेम्प्ट इनकम को अर्न करने में हुआ है, ठीक है, या फिर डेरिवेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड एनी क्लास ऑफ इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। तो अभी आप नोट कर लें कि ऊपर हम जो सारा कुछ पढ़े थे वो नॉर्मल टैक्स था, ये जो अभी तक हम कैलकुलेशन पढ़े थे ये नॉर्मल टैक्स की है, और फाइनल टैक्स ये होता है कि उसमें आप नॉर्मल टैक्स की तरह कैलकुलेशन नहीं करते, वो जो हमने ऊपर पढ़ा था सब्जेक्ट टू डिडक्शन और कलेक्शन, यानी आपको कोई बंदा पैसे पे करने लगा है और टैक्स वाले कहते हैं कि वो आपको पैसे पे करने से पहले पहले आपका टैक्स काट के आपको पैसे पे करे, तो कुछ केसेस में वो जो टैक्स आपका कट जाता है वो फाइनल टैक्स होता है, उसके बाद आपने दोबारा उसको टैक्स नहीं कैलकुलेट करना होता, ठीक है, तो आप उसको नॉर्मल टैक्स की कॉम्प्यूटेशन में नहीं डालते, यहाँ पर हम नॉर्मल टैक्स की कॉम्प्यूटेशन भी लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये नॉर्मल टैक्स में हम हेड्स ऑफ इनकम निकालते हैं। तो अगर आपने कोई खर्चा किया था जो एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम में था, या कोई ऐसा खर्चा किया था जो टैक्सेबल था और एग्जेम्प्ट भी था, जिससे इनकम जो आई थी वो टैक्सेबल भी थी और एग्जेम्प्ट भी थी, या आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिससे नॉर्मल इनकम भी आई है और फाइनल टैक्स की इनकम भी आई है, तो फिर आपको वो खर्चा भी काटना पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने लाख रुपए का खर्चा किया था और इससे आपको 1.5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम आई है और एग्जेम्प्ट इनकम आ गई है 50,000 की, तो अगर आप ये सारा का सारा खर्चा टैक्सेबल इनकम में से माइनस करेंगे, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम पे तो टैक्स लगना ही नहीं है, तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन जब आप इसको जो इसका हिस्सा बनता होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें से 45,000 जो था वो एग्जेम्प्ट इनकम का पार्ट था और जो बाकी 55,000 का खर्चा था वो टैक्सेबल इनकम के लिए था, तो फिर इस आपका टैक्स जो है वो ज्यादा बन जाएगा, आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो ज्यादा बन जाएगी, ठीक है। रूल्स फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर, अब इसके ऊपर भी रूल्स हैं, इनकम टैक्स रूल्स 2002 में रूल्स हैं। कॉमन एक्सपेंस मीन्स, अब वो यहां पर गधा बता रहा है कि कॉमन एक्सपेंस का मतलब है ऐसा एक्सपेंडिचर जो क्लियरली एलोकेट नहीं हो सकता टू एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ इनकम, यानी एक से ज्यादा तरह की इनकम पे होगा। रूल्स क्या है, एनी एक्सपेंस फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम शैल बी एलोकेटेड अपोर्शन टू दैट क्लास ओनली। तो पहली बात तो यही कि जिस क्लास ऑफ इनकम के लिए आपने खर्चा किया है, अगर तो वो खर्चा सिर्फ उसी के ऊपर था तो आप, अच्छा ये इजाज आपकी बुक का सेक्शन 9 के अंदर आएगा, जो स्टडी टेक्स्ट है उसका सेक्शन 9 में ये सेक्शन लिखे हुए हैं, ये पार्ट उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन 9 में जब आपके पास सॉफ्ट कॉपी में बुक है अपनी, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी में बुक है उसमें कंट्रोल एफ करके आप सर्च करेंगे तो आपको ये अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर्स मिल जाएगा फॉरन से। अच्छा चले आपको मैं सर्च करके बता दूंगी, किसी के पास अगर सॉफ्ट कॉपी में अभी किताब है तो कंट्रोल एफ करके हमें पेज नंबर बता दें ताकि हमें स्टडी टेक्स्ट का पेज नंबर मिल जाए। अच्छा मैं आपको इससे आसान तरीका बताती हूँ, इजाज आप सिर्फ स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर 4 का सेक्शन 9 खोलो, उसके ऊपर शुरू में सेक्शन ओवरव्यू दिया होता है, सेक्शन ओवरव्यू में ये अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की टाइटल आ रहे होगा, जिन्हें आप सर्च करके हमें पेज नंबर बताते हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर लिख दें। तो ये जी आपका पेज नंबर है, अच्छा उतने में हम आगे चलते हैं जितने में हम पेज नंबर का इंतजार कर रहे हैं। तो पहली बात तो सिंपल हो गई,
कि कोई भी खर्चा जो किसी खास काम के लिए हुआ है वो उसी में से माइनस करना है। फिर अगर कोई कॉमन खर्चा हुआ है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं किसी तरह का भी आपने उधार कर्जा लिया हुआ हो तो उस कर्जे के ऊपर, तो ये 83 या 84 है, ठीक है, 82, 83, 84 में से कोई पेज नंबर आपका, ठीक है जी। तो कोई भी जो आपने खर्चा किया होता है, कॉमन खर्चा किया काफी सारे हेड्स ऑफ इनकम पे, तो उसमें अगर कोई फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है अगर आपने कर्जा लिया हुआ हो, उस कर्जे के ऊपर जो भी सूद होता है, इंटरेस्ट को हम फाइनेंशियल एक्सपेंस बोलते हैं, तो फिर आपने जो कॉमन एक्सपेंस है उसको अपोर्शन करना है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मूला। कैसे अपोर्शन करना है? बाय एलोकेटिंग कॉमन एक्सपेंस, पर्टिकुलरली सेलिंग एक्सपेंसेस, खास तौर पे सेलिंग एक्सपेंसेस, द नेचर एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास ऑफ इनकम मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। सबसे पहले ये देखना है कि ये खर्चा किस वजह से हुआ था और इस खर्चे की वजह से कितनी इनकम आई है, और वो खास तौर पे सेलिंग एक्सपेंसेस की इसलिए बात कर रहा है कि जो मार्केटिंग के एक्सपेंसेस होते हैं उससे यूजुअली सेल्स की इनकम आई होती है, तो आपने खास तौर पे सेलिंग का एक्सपेंस उसी में से माइनस करना है जहां से वो बनता है। अब दूसरी बात ये, अमाउंट ऑफ, आपने फॉर्मूला क्या यूज करना है, खर्चे का कितनी अमाउंट थी मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस रिसीट्स उस क्लास ऑफ इनकम की, डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिसीट्स सारी क्लासेस ऑफ इनकम की। ग्रॉस का मतलब होता है जिस चीज में से कुछ भी माइनस ना हुआ हो, ठीक है। तो अगर आप ग्रॉस रिसीट्स फॉर द क्लास ऑफ इनकम और ग्रॉस रिसीट्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इनकम माइनस करेंगे तो आपका ये खर्चा बन जाएगा, आपकी प्रोपोर्शन निकल आएगी, ठीक है। जब आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शन निकल आएगी कि इतनी इनकम जो है, इतनी परसेंटेज मैंने टोटल इनकम में से, इतनी परसेंटेज इस हेड में से अर्न की है, तो इतना खर्चा जो है मैं इस हेड को एलोकेट कर देता हूं। जब साफ साफ नहीं पता होता कि कितना खर्चा किसको एलोकेट करना है, फिर आप प्रोपोर्शनल बेसिस पे देखते हो कि यहां से ज्यादा इनकम आई है तो इसको ज्यादा खर्चा, और यहां से कम इनकम आई है उसको कम खर्चा एलोकेट हो जाएगा। और ग्रॉस रिसीट का वही, रिसीट विदाउट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर इन केस ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस, कुछ खास ट्रांजैक्शंस में नेट गेन, ब्रोकरेज कमीशन एंड अदर इनकम इज टेकन एज टर्नओवर, देन द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस shall be taken as the gross receipts for the purpose of apportionment of expenditures। तो वो कहता है कि कुछ केसेस में जो नेट अमाउंट आई होती है ना आपको, ये यूजली शेयर्स की ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज कमीशन या अदर इनकम आता है, जो आपको नेट अमाउंट मिलती है और आप नेट अमाउंट को टर्नओवर कंसिडर करते हो। टर्नओवर का मतलब है टोटल सेल्स। तो जब आप नेट अमाउंट को टोटल सेल्स का तौर पे कंसिडर करते हैं तो जो उस बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। तो सेल्स में से ये खर्चा माइनस होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो क्योंकि ये भी नेट इनकम थी तो आप यहां पे भी ग्रॉस प्रॉफिट, यानी आप उसको नेट ऑफ करके ग्रॉस रिसीट के तौर पे लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। और फिर वो कहता है कि जो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस का तरीका है वो एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, जो क्वालिफाइड अकाउंटेंट होंगे उन्होंने सर्टिफाई करना है, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट देना है कि इस बंदे ने जो खर्चे हैं उनको सही तरह से अपोर्शन किया है। और कमिश्नर साहब सिर्फ तब वो एक्सेप्ट करेंगे सर्टिफिकेट अगर उसमें प्लस माइनस 10% का डिफरेंस नहीं होगा, यानी रूल्स के मुताबिक कमिश्नर साहब देखेंगे कि रूल्स के मुताबिक कितना बनना चाहिए था, और वो देखेंगे कि असल में इन लोगों ने कितना खर्चा किया है। तो अगर रूल्स के मुताबिक आपने नहीं किया, रूल से ऊपर नीचे आप थोड़ा सा कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 10% ऊपर नीचे कर सकते हैं,
अगर आपने इससे ज्यादा ऊपर नीचे किया तो कमिश्नर साहब वो सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे, और सर्टिफिकेट हर बंदा नहीं दे सकता, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट देगा। और फिर वो कहता है, हाँ जी, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता, इट इज नॉट लाइक द सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल, नहीं, सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल की तरह नहीं है ये, ठीक है। फिर वो कहता है कि कौन कौन सी क्लासेस ऑफ इनकम है जिसकी वो बात कर रहा है, तो वो सिर्फ सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि पाकिस्तान सोर्स इनकम या फॉरेन सोर्स इनकम अगर किसी की हो, बेशक वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस की टाइप्स होती हैं, बेशक वो कैपिटल गेन हो, बेशक फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, ये तो सारी एनटीआर की इनकम हो गई। और सैलरी यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि सैलरी में से कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होती, इसलिए आप कोई खर्चा सैलरी पे अपोर्शन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे सैलरी नहीं है। तो ये तो एनटीआर की इनकम हो गई आपकी। और उसने कहा था कि हो सकता है कुछ खर्चा आपने एनटीआर की इनकम पे किया और कुछ एग्जेम्प्ट पे या किसी और तरह की इनकम पे, तो एग्जेम्प्ट इनकम पे अगर आपने खर्चा किया था या सेपरेट ब्लॉक इनकम, ये भी एनटीआर में नहीं आती। या फिर हमने ऊपर पढ़ा था कि आपने कुछ एनटीआर पे किया था और कुछ फाइनल टैक्स पे खर्चा किया था, तो अगर बेशक वो पाकिस्तान की इनकम है या बेशक बाहर से आई है और कॉमन खर्चा इसमें से किसी भी दो तीन हेड्स पे इकट्ठा किया है और उसको अपोर्शन करना है, तो उसके रूल्स उसने ऊपर आपको पढ़ा दिए। अब मैं दो मिनट अगर आपके लूं रीकू एक्सपेंडिचर के, नहीं, इसकी एग्जाम्पल है तो इसकी हम एग्जाम्पल कल ही करेंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको क्लास छोड़ देती हूँ, रीकू एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल हम कल करेंगे। अच्छा, पेज 52 पे क्या है इजाज, आप मुझे बताते हो, टैक्सेबल इनकम है। पेज 52 पे क्या लिखा हुआ है, कल से मैं किताब भी लेके आऊंगी साथ, ताकि मैं आपको साथ साथ बताऊं कि ये चीज हम कहां पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो इजाज ये जो लेक्चर है ना, इसमें हम आगे ये देखो यहां पर ज़कात पढ़ेंगे, लेकिन वो हम आगे इसलिए पढ़ेंगे, हम आगे इसलिए पढ़ेंगे कि आपको समझ लगेगी वहां पे, मैं बाद में इसलिए आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको उस ऑर्डर में समझ लगे जिस ऑर्डर में हम अपनी कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं ना, हम इसी कैलकुलेशन को बढ़ाते जाएंगे, इसी को एक्सपैंड करके फिर अपनी फाइनल कैलकुलेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है कुछ भी मिस हो रहा है आप फिर भी मुझे बता दिया करो, ठीक है जी। तो हम एक मिनट लगा के सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कौन होता है, हमने इसकी एग्जाम्पल्स देखी, और आप लोगों की आज की असाइनमेंट है कि आपने इसके जो पास्ट पेपर्स है नोट्स में वो सारे सॉल्व करके आने हैं। पाकिस्तान एंड फॉरेन सोर्स इनकम, और इसकी सिर्फ पाकिस्तान इनकम लेनी है। हमने इनकम की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने लॉसेस के बारे में पढ़ा कि लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, और इसका ट्रीटमेंट हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। इनकम खत्म हो जाए इनकम की सोर्स तो क्या करते हैं, रिसीट कब होता है। हाँ जी, आपने सॉल्व करके उनकी तस्वीर खींच के किसी भी स्मार्टफोन से उनकी तस्वीर मुझे ईमेल करनी है। करंसी का पढ़ा के पास के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सारी अमाउंट किस करंसी में लेनी है। हमने टोटल इनकम का फॉर्मूला पढ़ा, हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम, और ये एनटीआर के हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जिनमें हमने पढ़ा कि इनकी डिडक्शंस कैसे करनी है और इनमें टैक्सेबल अमाउंट कैसे लेते हैं, इनकम लेते हैं और उसमें से डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, अब हम कल से कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई और सवाल, चलें जी कल हम 2:40 पे क्लास शुरू कर देंगे। मेल कल की क्लास से पहले पहले करनी है, ठीक है, कल की क्लास से पहले पहले मुझे मेल करना है। जिले आपने जो क्वेश्चन है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के इन नोट्स के अंदर, आज जिले आपको मैं लिंक भेज दूंगी, जैसे जमशेयर के ऊपर ऑडिट के नोट्स है, इस तरह जमशेयर के ऊपर टैक्स के नोट्स भी हैं, तो आपको मैं ईमेल कर दूंगी। कल फ्राइडे है तो उससे क्या फर्क पड़ता है,
कल फ्राइडे होने से क्या फर्क पड़ता है जी? अच्छा ये सवाल आप सारे कल, हम ना क्लास थोड़ी 5 मिनट पहले छोड़ेंगे क्योंकि मेरी नमाज मिस हो जाएगी। तो 2:40 तक आपकी नमाज नहीं खत्म हुई होगी? कितने बजे नमाज पढ़ते हैं आप जुम्मे की? चले जी मैं अब क्लास खत्म कर रही हूँ। हैव अ नाइस डे एवरीवन, गुड बाय, बिकॉज आई हैव टू ऑफर माय प्रेयर्स, और क्योंकि हमने अगली क्लास को सेट करना है। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।